सीतापुर की कोतवाली सिधौली क्षेत्र के कस्बा बाड़ी में मुहर्रम त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें SDM संतोष कुमार, CO सिधौली अभय प्रताप मल्ल एवं कोतवाल राम प्रकाश मौजूद रहे, जिन्होंने आम जनता को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में बताया। मीटिंग का पर्पस तो आप लोगों को पता होगा कि क्यों बुलाया गया। पहले भी यहाँ मीटिंगें हुई होंगी, हुई है ना। इस मीटिंग का मेन मकसद है, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, COVID-19 चल रही है, उसके संबंध में आप लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है और इसके नियमों और निर्देशों के बारे में बताना और आप लोगों से ये अपेक्षा करना कि आप लोग इसका पूर्णतः पालन करेंगे ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी पूर्व में कई त्यौहार आए हैं, जैसे कांवड़ यात्रा थी, शिवरात्रि थी, जन्माष्टमी थी, बकरीद थी, ईद था, और आप लोगों ने सभी त्यौहारों में बहुत अपना सहयोग किया और उसी की देन है कि आज हम लोग और जगह की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित हैं। हम लोग अपने माँ बाप के कमरे में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? माँ बाप हमारे दुश्मन थोड़ी ना हो गए, लेकिन ये पता है कि अगर माँ बाप के पास जाएंगे तो इनको ज़्यादा खतरा, ये बुजुर्ग हैं। तो ये सारी बातें खाली ये जागरूक करने का और ये मकसद बताने का है कि इसके पीछे क्या है। किसी के बहकावे में मत आइए। पूरा परिवार हमारा है, सभी ताजिया बनाती है, बिना माइक के सुन। तो ये सब कब्जे में है और सब तैयारी हो गई। आज अगर हमें 15 दिन पहले भी मालूम हो जाता कि इतना बनाया जाए तो हम नहीं बनाते। तो सारे माम सब तैयार है ताजी, बिल्कुल हो गए। अब ये खाली कितना पहली तारीख है, हाँ, तो मैंने इसका जवाब दे दिया आप सभी लोगों को कि कोई भी आपदा जो आती है, अचानक आती है, आप भी सहमत होंगे, वही हमने बताया, ठीक है ना। जब हमारे सामने एक ही तरीका है कि जान बचा लें, आप लोगों को अभी वही मैं बता रहा था कि अभी आप लोग सारी चीजें नहीं जान रहे कितनी भयावह स्थिति है। जब जान बचाने की नौबत हो तो ये सारी चीजें तो इग्नोर करनी पड़ेगी। मैंने अभी बताया ना कि आप लोग पता नहीं महसूस कर रहे होंगे कि नहीं, जिसकी जेब में 5,000 रहता था उसकी जेब में 500 रुपए है। मतलब आदमी बीमार पड़ जा रहा है तो वो ये सोच रहा है कि अगर हम कोविड का टेस्ट करा, अच्छे अच्छे घरों की बात बता रहा हूँ, कोविड का टेस्ट करा लेंगे तो डेली 85,000 रुपए कहाँ से देंगे। अस्पताल, सरकारी अस्पताल फंस चुके हैं। सिधौली कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च।